हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज था संडे का दिन और शायद आपने मेरा लाइव फीड भी देखा हो इस ट्रिप का। एज यूजुअल ऑन संडे वी ट्राई टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर और हम आसपास की किसी जगह में जाने की कोशिश करते हैं। सो आज का ट्रिप हमारा था टूवर्ड्स सातताल, नौकुचियाताल, भीमताल फ्रॉम अल्मोड़ा। बेसिकली सारे लेक्स कवर करने थे नैनीताल के आसपास के एरिया में। और इस सफर में बीच में कैंची धाम भी पड़ता है जब आप अल्मोड़ा से आते हैं। और वहीं ये ट्रू ओनर रिव्यू लेने का मुझे मौका भी मिला मिस्टर अनुज भटनागर से, जो नेक्सॉन का एक्सजेड प्लस डीजल वेरियंट चलाते हैं और अब तक 30,000 किलोमीटर करीब चला चुके हैं जैसा कि उन्होंने बताया। तो जब हम गाड़ी पार्क कर रहे थे कैंची धाम के पास, तो मैंने अपनी कार के बिल्कुल सामने मेरे कार के कलर में एक और नेक्सॉन देखी एंड दिस रीजन वाज गुड इनफ दैट मैं मिस्टर अनुज का ओनरशिप रिव्यू पूछ सकूं। आगे आप देख सकते हैं व्हाट मिस्टर अनुज हैड टू से अबाउट हिज एक्सपीरियंस विद टाटा नेक्सॉन। तो गाइस, अभी मैं हूं यहां पे अल्मोड़ा में खड़ा हुआ। देखिए आप दो देख सकते हैं नेक्सॉन, एक मेरी नेक्सॉन खड़ी है, एक और यहाँ पे अनुज भटनागर जी मिल गए हैं। मैं यूपी नंबर के साथ, तो मैं जस्ट क्विकली इन लोगों से पूछूंगा कि इनका नेक्सॉन के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या एक्सपीरियंस नहीं रहा है। सो आपको कितना टाइम हो गया आपकी गाड़ी को? करीब एक साल हो गया। हाँ जी, तो गाड़ी की आपकी परफॉर्मेंस वगैरह? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, गाड़ी में कोई कमी नहीं आई और चलाते में जितना सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत अच्छा है। और आप हिल पे आए हुए हैं जैसे मैं भी हिल पे आया हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग अल्मोड़ा में खड़े हुए हैं, अल्मोड़ा के पास कैची धाम है, वहाँ खड़े हुए हैं। तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 2 महीने से चला रहा हूँ। इनसे एक बार पूछ लेते हैं कि हिल में आप लोगों ने कितनी चलाई गाड़ी अभी? हिल में गाड़ी हमारी काफ़ी चली है, हम केवल यही नहीं बाकी हम लोग नौकुचियाताल भी गए हैं, अल्मोड़ा भी गए हैं, काफ़ी एरिया हमने हिल्स का कवर किया है इसमें। हाँ जी, और केवल वही नहीं डिफरेंट प्लेन में भी काफ़ी चला है। मतलब मैंने करीब एक साल में ये करीब 30,000 किलोमीटर मेरी चल चुकी है। अच्छा, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल मैंने अभी जितनी भी गाड़ी यूज़ करी है उसमें वन ऑफ द बेस्ट पैकेज। और आपको सर्विस में कोई दिक्कत वगैरह आई है? नहीं, बहुत बहुत अच्छा सर्विस के लिए पहले से फ़ोन आता है हमारे पास और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, नो डाउट। सर्विस सेंटर सर्विस फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। इवन मेरे साथ जितने फ्रेंड्स हैं वो भी जब मैं साथ लेके गया हूँ तो कहीं ना कहीं वो इतने सेटिस्फाई होते हैं कि उनका भी ये प्लानिंग है कि हमें नेक्सॉन जाके अभी नेक्सॉन में गाड़ी परचेस करने के लिए जाना चाहिए। ओके ओके, क्योंकि जब मैं गाड़ी ले रहा था तो मैंने 2-3 गाड़ियाँ देखी थी, मे बी फोर्ड इको स्पोर्ट देखी थी और मैंने देखी थी शायद ब्रेजा देखी थी। हाँ जी, आपने भी कोई गाड़ी देखी? क्या आप लोग आपको प्लस पॉइंट लगा इस गाड़ी का उनके मुकाबले? गाड़ियाँ मैंने और भी देखी थी, डेफिनेटली फोर्ड में भी गया था मैं और मारुति में भी गया था, लेकिन इसने गाड़ी में बड़ा सेटिस्फेक्शन था, बड़ा सेफ्टी फीचर्स इसके बाकी सबसे बहुत अच्छे थे और जितनी फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड कर रहे थे, अंदर एसेसरीज वगैरह भी दे रहे थे, वो देख के मुझे लगा कंपैरेटिवली इट्स मच बेटर। गाड़ी की हैंडलिंग सस्पेंशन वगैरह कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, कहीं हिल्स में भी हम चलाते हैं जहाँ पर हमें ऐसा होता है कि बड़े स्टोन वगैरह आ जाते हैं रास्ते में, लेकिन चलाने में बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन, कहीं कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आती है। तो और कोई प्रॉब्लम आपको लगी हो गाड़ी में? मतलब कोई भी माइनर प्रॉब्लम? जैसे मेरी केस में अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरा जो गाड़ी का शीशा है ये 2 बार क्रैक हो चुका है, ये आप लोगों को पता होगा जो भी मेरा चैनल देखते हैं। बट एक बार कंपनी ने चेंज करके दिया था नेक्स्ट टाइम, अभी कोरोना का ये चल गया था तो मैं करवा नहीं पाया था। तो मुझे एक प्रॉब्लम आई थी, मैं आपको ही बता दूँ, मेरा जो गाड़ी का शीशा है ये अपने आप क्रैक हो गया था, एक बार नहीं 2 बार, ये दूसरी बार लग के वापस क्रैक हो गया। इवन सेम प्रॉब्लम मेरे गाड़ी में भी आई थी, एक बार हम लोग दिल्ली से आए थे और खड़ी हुई थी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैंने एक दो दिन बाद देखा कि उसमें क्रैक आ गया था, तो मैंने भी चेंज किया, उन्होंने पूरा चेंज करा के दिया था। सेकंड टाइम में आपको दिक्कत नहीं हुई? कोई नहीं, उसके तो बाद मेरा ये दूसरी बार हो गया। नहीं नहीं, ये केवल एक ही बार मेरी प्रॉब्लम तो आई। ये कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने लोगों को बताया था इसके बारे में। बिल्कुल है, बिल्कुल है ये। तो ये शायद अभी जो फेसलिफ्ट वर्जन आई है उसमें ये चीज़ सही हो चुकी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्टेड नहीं है कोई प्रॉब्लम। बट आई गेस ये मतलब प्री फेसलिफ्ट जो वर्जन है इसमें ये वाली दिक्कत थी, तो अभी सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे एक रेडिएटर होस की प्रॉब्लम आई थी, रेडिएटर का होस निकल गया था मेरा सर्किट में भी, आपकी वो सर्विस हुई हो? मेरे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और कोई आपको गाड़ी से शिकायत? या बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है गाड़ी से, बहुत सेटिस्फाइड। 30,000 तो काफ़ी चला दिया आपने, मेरी 8-9,000 चली हुई, ज़्यादा नहीं चली है। हाँ, तो मैं काफ़ी लेके गया था इसको, काफ़ी मेरा इससे काफ़ी लेने के बाद इतना सेटिस्फेक्शन हुआ इससे मैं दूर दूर तक गया। तो आपकी डीजल गाड़ी है कि पेट्रोल है? डीजल। अच्छा जी, डीजल गाड़ी, मेरी पेट्रोल है और परफॉर्मेंस डीजल की तो काफ़ी बढ़िया देती होगी। बहुत स्पोर्ट्स अच्छा मोड में, मतलब कोई दिक्कत? इवन अभी लॉकडाउन में मैं जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ तो 23 तक मेरे को एवरेज आता है अभी। मतलब मैंने आपको दिखा दिया कि जो एक्सपीरियंस, जो ट्रू ओनर के एक्सपीरियंस होता है आप देख सकते हैं वो क्या बताते हैं। तो नेक्सॉन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जितनी भी हम लोगों ने गाड़ी चलाई है ये ट्रू ओनर के एक्सपीरियंस है जो मैं आपको खुद देते रहता हूँ। तो अभी हमें अनुज जी मिल गए तो उन्होंने भी बता दिया कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, काफ़ी चला चुके हैं एक साल में, ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर चला चुके हैं। और नेगेटिव पॉइंट में इनसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये बता नहीं पा रहे हैं कुछ, मतलब आदमी ढूंढ के भी नहीं निकाल पाए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है।
एक विंडशील्ड का इन्होंने बताया बट वो इनका रिप्लेसमेंट हो गया था, सेकंड टाइम में वो दिक्कत नहीं आई। बाकी इन्हें कोई भी शिकायत नहीं है गाड़ी से, सस्पेंशन का पूछ लिया मैंने, ब्रेकिंग एबिलिटी वगैरह इसके बारे में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सेफ्टी फीचर तो है ही, क्योंकि मैंने खुद 5-star रेटेड कार होने की वजह से गाड़ी ली थी, मेरा वो था। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, कोई कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक है, थैंक यू। तो जैसा आपने देखा मिस्टर अनुज काफ़ी सेटिस्फाइड थे अपनी कार से, एंड इतनी बार पूछने के बाद भी इवन माइनर नेगेटिव पॉइंट्स वो बता नहीं पा रहे थे, वो भी ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी। आई मिस्ड ऑन वन पॉइंट एज हम थोड़ा जल्दी में थे, अबाउट हिज सर्विस कॉस्ट। तो सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी नॉमिनल है टाटा के केस में, एंड सर्विस भी लंबे इंटरवल्स पर है एज़ कम्पेयर टू अदर कार। तो कल एक वीडियो में उन्होंने कमेंट किया था कि उनके ओनरशिप एक्सपीरियंस का वीडियो कब आ रहा है, तो जैसे ही मिस्टर भटनागर आप वीडियो देखें कमेंट करके सर्विस कॉस्ट का आइडिया भी दे दें इफ़ पॉसिबल, जो मैं कमेंट से ही व्यूअर्स तक पहुंचा सकूं। रेस्ट आई होप आप सभी को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, वीडियो को हमेशा की तरह शेयर जरूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ, जय हिंद।